दोबारा डिप्टी सीएम बन पाई है क्योंकि चर्चा नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाई है क्योंकि चर्चा नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। पांच निश्चतन मार्ग वाले बंगले को लेकर लगातार सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। इस बंगले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार ट्रॉल करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी हाल में ही जब तेजस्वी यादव ने इस बंगला को खाली किया जिसको लेकर बड़ा बवाल मच गया। जी हां, टोटी चोरी के इल्जाम भी तेजस्वी यादव पर लगाए गए। वहीं यहां पर यह बताया गया लालू यादव की भी एक पोस्टर संग तेजस्वी यादव की पोस्टर को भी वायरल किया गया, जिस पोस्टर पे किसी का नाम तो जिक्र नहीं किया गया कि आखिरकार ये पोस्टर किसकी तरफ से बनाए गए और किसने इस पोस्टर को बनाया। लेकिन उस पोस्टर पर टोटी चोरी में तेजस्वी यादव की फोटो थी और वहीं दूसरी तरफ चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की फोटो। आपको जानकारी दे कि लगातार इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने मानहानि की बात तक कर दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बहुत नीचे स्तर की राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से टोटी चोरी के इल्जाम लग रहे हैं ये बेहद शर्मनाक चीज है और मैं चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई भी करूंगा। जिन लोगों ने भी ये गलत बयान दी है, जिन लोगों ने भी ये गलत वीडियोस वायरल करवाया है और गलत बयानबाजी की वजह से, मैं इस पर बहुत जल्द मानहानि का केस करने वाला हूं। और मानहानि के केस के जिस दिन बयान आए उसके कल होके ये पोस्टर जारी किया गया जहां पर टोटी चोरी का इल्जाम लगा, यानी पोस्टर के जरिए बताया गया। आपको जानकारी देते कि ये एक ऐसा बंगला है, यहां पर जो भी डिप्टी सीएम रहे हैं उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। सबसे ज्यादा वक्त के लिए अगर यहाँ पे कोई डिप्टी सीएम रहे तो वो सुशील मोदी रहे। वो लगभग 3 साल इस बंगले में रहे और उससे पहले यानी कि उनके बाद जो भी लोग तारकिशोर हो, तेजस्वी यादव हो, और अब ये बंगला जो है वो सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। आज ही सम्राट चौधरी ने इस बंगले में गृह प्रवेश किया। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल थे, तमाम लोग यहां पर आए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आए। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो चाचा भतीजे की जोड़ी, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर हमेशा ही नीतीश कुमार सुर्खियों में बने होते हैं और अब नीतीश कुमार जो है वो अपने भतीजे से ज्यादा आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के लिए प्रिय हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं, इस विजुअल में देख सकते हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी की खुशियों में शामिल हुए। जब इस बंगले में सम्राट चौधरी आए उसके बाद मीडिया से मुखातिब होने के बाद सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया जो बेहद सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी अब डिप्टी सीएम बनना ही नहीं चाहते हैं। क्या सम्राट चौधरी भी अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले यहां से हट जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी अब सीएम बनना चाहते हैं, क्या सम्राट चौधरी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह लेना चाहते हैं। आखिर सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कहा कि अब वो दोबारा उप मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते, इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए बिहार का विकास, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बिहार का विकास मायने रखता है। लेकिन क्या जाता है कि जो भी इस बंगले में आते हैं, अरे बंगला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाई है क्योंकि चर्चा नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। आइए भाई साहब। खैर, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने यह भी कहा, आज गृह प्रवेश थी, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता नजर आए, तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए आज गृह प्रवेश में। सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं भी दी और जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकाल जो है, जितने भी डिप्टी सीएम अब तक तैनात हुए उनका कार्यकाल जो है वो बहुत कम वक्त के लिए रहा। ऐसे बता दें कि 2015 में जब तेजस्वी यादव को यह बंगला दिया गया था तो तेजस्वी यादव ने इस बंगले में बहुत तामझाम करवाया था। आपको बता दें कि नई एसी, झूमर, जो बताया जा रहा है कि वो सभी चीज फॉरेन से मंगवाई गई थी, यानी कि तेजस्वी यादव ने इस बंगले में जो डेकोरेशन करवाया था वो इतना ज्यादा हाई लेवल था कि बताया जा रहा है, यानी सुशील कुमार मोदी ने उस वक्त बताया 2015 में जब तेजस्वी यादव ने इस बंगले के इंटीरियर को चेंज करवाया और जब उनकी खत्म हो गई कार्यकाल और सुशील मोदी वहां पर आ गए, सुशील मोदी ने बताया कि इस बंगले का जो डेकोरेशन है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बंगला से भी ज्यादा शानदार है, जितना इसके इंटीरियर में तेजस्वी यादव ने इन्वेस्ट किया है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बंगला को खाली करना ही नहीं चाहते और बिहार में अब तक का सबसे खूबसूरत बंगला भी इसको माना जाता है। यानी बिहार में राजनीतिक लोगों को जितने भी बंगले दिए गए हैं
इवन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बंगला से भी ज्यादा खूबसूरत तेजस्वी यादव का ये बंगला बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इसके इंटीरियर में तेजस्वी यादव ने कितना ही ज्यादा खर्च कराया, यानी जो अब तक आंकड़े आए वो 4 से 5 करोड़ तक के भी बताए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने इतना उसमें इन्वेस्ट किया था। लेकिन दूसरी बार जब ये बंगला तेजस्वी यादव को मिला तो तेजस्वी यादव भी बहुत दिन तक उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, 17 महीने में उनका कार्यकाल खत्म हो गया और अब उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ा, जबकि उनका कार्यकाल बहुत पहले खत्म हो गया था और बंगला जो है लगभग 7-8 महीने बाद अब उनको खाली करना पड़ा और अब ये बंगला जो है वो सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। लेकिन कुछ इल्जाम के साथ जो तेजस्वी यादव पर लगाए गए थे कि तेजस्वी यादव वहां से एसी, नए सोफे, जिम की चीजें, बेड और भी बहुत सारी ऐसी जरूरत की चीजें थी, जिसमें सबसे नीच बात जो थी वो टोटी चोरी की थी, जो बेहद सुर्खियों में बना हुआ था। टोटी चोरी का इल्जाम तेजस्वी यादव पर लगा था, तेजस्वी यादव ने जिसको लेकर बड़ा बयान भी दिया, काफी भड़क गए थे, काफी आग बबूले होकर तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। तो खैर, अब देखने वाली बात यह है कि क्या सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल इस बंगले में पूरा करते हैं या फिर तारकिशोर सुशील मोदी तेजस्वी यादव की तरह अब यहां पर सम्राट चौधरी भी बहुत जल्द उप मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।